कर्क राशि, आपके लाभ के घर में गया हुआ मंगल सभी कार्य आज पूरा कराएगा। विशेष रूप से धन कमाने की दिशा में किया गया प्रयास सार्थक होगा। जल्दीबाजी में लेकिन कोई कार्य आज आपको नहीं करना है। निर्धन व्यक्ति को यदि धन का दान दें तो दिन बहुत बेहतर बीतेगा। आज सफलता का मीटर आपको 75% और सेहत का मीटर 70% और संबंध का मीटर 80% अंक दे रहा है। वृश्चिक राशि, सुख भाव में गया हुआ चंद्रमा भूमि भवन या वाहन का निश्चित सुख देने वाला है। परिवार के सदस्यों का पूरा समर्थन आज आपको मिलेगा। अनावश्यक किसी के कार्य में आज दखल बिल्कुल मत दीजिएगा। हनुमान जी के मंदिर जाकर लाल पुष्प की माला उन्हें अर्पित करिए, दिन बहुत सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का मीटर 75% और संबंध का मीटर 70% अंक दे रहा है। मीन राशि, आपकी राशि से 12वें चंद्रमा थोड़ी मानसिक चिंता देगा। कार्य में उलझन तथा व्यर्थ की भागदौड़ भी बढ़ाएगा, लेकिन करियर में निश्चित प्रगति देगा। खाली समय पर आज निश्चित रूप से आप घर आ जाइएगा। अनावश्यक रूप से दोस्तों में समय बिल्कुल मत बर्बाद करिएगा। आज हनुमान जी के मंदिर जाकर लड्डू का प्रसाद चढ़ाइएगा, दिन बहुत बेहतर होगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का मीटर 70% और संबंध का मीटर 65% अंक देगा। कुंभ राशि, आज राशिगत चंद्रमा पारिवारिक सुख देगा और साथ में धन के क्षेत्र में किया हुआ प्रयास भी सार्थक करेगा। सायंकाल थोड़ा सा परिवार के किसी सदस्य का हल्का फुल्का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आज क्रोध पर नियंत्रण अवश्य रखिएगा और हनुमान जी के मंदिर जाकर गुड़हल का फूल चढ़ाइए, दिन बहुत सुखद बीतेगा। आज आपको सफलता का मीटर 75% अंक दे रहा है, सेहत का मीटर 80% और संबंध का मीटर 70% अंक दे रहा है। आचार्य जी, आपने काले धागे के नजर दोष से बचने वाले उपाय तो बताएं, अब काले धागे के वो उपाय भी बता दीजिए जिससे असाध्य बीमारियों से बचा जा सकता है। जी, यदि आपको बार बार कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है जिसका पता ही नहीं चलता, अपने ही होगी और अपने ही कष्ट देकर समाप्त हो जाएगी, तो आपको क्या करना चाहिए? या किसी भी प्रकार अगर फ्रिक्वेंट आपकी तबीयत खराब हो रही है तो आपको शनिवार के दिन भगवान भैरव या माता काली जी के मंदिर जाइए और उनके श्री चरणों में काला धागा अर्पित करते हुए रोग निवारक मृत्युंजय, जिसे ओम जुं सह कहा जाता है, इसको 108 बार पढ़िए। 108 बार से अधिक भी पढ़ेंगे लेकिन इसी मल्टीपुल में, अर्थात 108 × 2, 108 × 3 पढ़कर आप गले में धारण कर लीजिए या बाह में बांध लीजिए, निश्चित रूप से आपकी बीमारी समाप्त हो जाएगी। यदि आपके बच्चे को, छोटे बच्चे को बार बार तबीयत खराब होती है या नजर लग जाती है या उसके ऊपर तंत्र मंत्र कोई कर देता है जिसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है, जो बड़े अच्छे बच्चे होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं, उन्हें कोई दुर्भावना से या वैसे ही देखे तो बड़ा जल्दी नजर लगती है,